क्रूड ऑयल मिले हैं उसको रिफाइन करने के सिस्टम का मेन पार्ट यही है। जो मूवमेंट है डिपेंड है रोड के ऊपर, अगर रोड साफ सुथरा है तो 10-15 किलोमीटर भी चल जाता है, अन्यथा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर भी चलता है। ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है और इसके लिए हमको नेशनल 400 टायर वाला ये ट्रेलर कहाँ और क्यों जा रहा है? इस ट्रेलर के साथ पूरी की पूरी टीम ट्रेवल कर रही है। ये तैयारी 2 रिएक्टर को गुजरात से राजस्थान पहुंचाने के लिए की जा रही है। मुंबई की टीम रिएक्टर को बेरूत से बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि एक रिएक्टर 750 मैट्रिक टन का है, जबकि दूसरे रिएक्टर का वजन 1148 मैट्रिक टन बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये ट्रेलर एक दिन में सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाता है। नॉर्मली इस ट्रेलर को 2 से 6 ट्रक डेली खींचने के लिए लगते हैं। बताया जा रहा है कि 25 लोगों की पूरी टीम इसके साथ है। ये ट्रक 22 दिसंबर के आसपास मुंद्रा पोर्ट से निकले और ये रिएक्टर है। एक्चुअली जो पचपदरा रिफाइनरी के में जो क्रूड ऑयल मिले हैं उसको रिफाइन करने के सिस्टम का मेन पार्ट यही है। जो मूवमेंट है डिपेंड है रोड के ऊपर, अगर रोड साफ सुथरा है तो 10-15 किलोमीटर भी चल जाता है, अन्यथा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर भी चलता है। ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है और इसके लिए हमको नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमको परमिशन नहीं देते हैं। जो 10 मीटर 8 मीटर ज़्यादा की स्पान है उसको हमको अलाउ नहीं किए जाते। इसके लिए भाई साइड में जो जगह है वहाँ पे टेम्पोरेरी बाईपास लगाते हैं, तो कंटिन्यूस जो 1100 टन है उसमें 3 लगाते हैं, जो 760 टन है उसमें कंटिन्यू 2 लगते हैं। जहाँ पे बाईपास वगैरह बनाया हमने वहाँ ग्रेडियंट है, चढ़ाई होता है, वहाँ 5, 6, 7 जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से उसमें एक्स्ट्रा पुल लगाते हैं। बताया जा रहा है कि इसे यूरोप से मंगाए गए मेटल से बनाया गया है और सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, जो अमाउंट का रिएक्टर है उससे 3 गुना ज्यादा उसे गुजरात से पचपदरा लाने में खर्च आ चुका है। जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा आए रास्ते में, हमें बहुत सारे बाईपासेस बनाने पड़े, फिर बहुत सारे हाई टेंशन वायर्स थे जिसकी परमिशन लेनी, और सबसे बड़े हर्डल थे हमारे 2 कैनाल्स के बीच में नर्मदा के। एक कैनाल पे तो लगभग हमारे 1.5 महीना जॉब रुका था और दूसरे कैनाल के लिए हमें 3 करोड़ खर्चा करके मेटेलिक ब्रिज बनाना पड़ा था, जो हमने बनाया वहाँ पे। हमने वो ब्रिज बनाया था दहेज में 12 टुकड़ों में ला के यहाँ पर असेंबल किया कैनाल के ऊपर और फिर ऊपर से जॉब पास की। बट हमारा बहुत ज़्यादा जो हमने खर्चा एस्टिमेट किया था उससे लगभग डबल हो रहा है।